हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी नरगिसी कबाब बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी। बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बेहद मज़ेदार होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार से नरगिसी कबाब की रेसिपी को। नरगिसी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक ज़बरदस्त सा मसाला बनाएंगे। तो यहाँ मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ और इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च के दाने ऐड कर देंगे, 1 अदद दालचीनी स्टिक और 1 अदद ही बड़ी इलायची ली है, 4 से 5 सब्ज़ी इलायची और 4 से 5 लौंग ली हैं, 1 छोटा पीस जावित्री का लिया है, 1 टीस्पून खसखस ऐड करेंगे और खसखस की जगह आप इसमें 5 से 6 बादाम भी ऐड कर सकते हैं और 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी पिसा हुआ खोपरा भी इसमें शामिल करेंगे। 1 अदद तेज़पात लिया है, इस तरह से तोड़ के डाल देते हैं और इन सभी मसालों को हम चला के बारीक पीस लेंगे। ये देखें, मैंने इसे चला के ग्राइंड कर लिया है। तो चलें अब इसके पकाने के प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस बीफ, इस तरह इसकी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। आप चाहें तो इसमें मोटा मोटा कुटा हुआ कीमा भी शामिल कर सकते हैं। और मैंने इसे वॉश करके अच्छे से बाउल में रख लिया है। और ये मैंने ली है 250 ग्राम के बराबर चने की दाल, इसको भी मैंने वॉश करके तकरीबन 30 मिनट सोक किया है। पानी जो है मैंने इसमें से फेंक दिया है। और देखें, यहाँ मैंने चूल्हे पे कुकिंग पॉट रख लिया है जिसमें हमें इसे बनाना है। इसमें डाल देंगे सारा बीफ और इसके साथ ही जो हमने चने की दाल सोक की वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और ये 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को रफली सा कटिंग करके इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें भी। फिर इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इसमें पानी डालेंगे, पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि बस पानी इन तमाम चीज़ों के थोड़ा सा ऊपर आ जाए। इसमें उबाल आने के बाद हम इसको कवर करेंगे और चूल्हे की आंच मीडियम टू लो कर देंगे और इसे पकने रखेंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। और बीच बीच में आप इसे चेक भी कर लीजिएगा, अगर पानी ड्राई हो जाए तो पानी थोड़ा सा और डाल लीजिएगा ताकि ये मसाले नीचे से जले नहीं। तो फ्रेंड्स, कबाब के मसाले को पकते हुए 35 मिनट हो गए हैं। गोश्त की छोटी बोटियाँ थी और दाल भी हमारी सोख हुई भी थी, तो अब इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, इसमें हल्का सा पानी है, इसे चला के हम ड्राई कर लेंगे। तो मिक्सचर हमारा रेडी है, इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे। तो अगर आप फूड प्रोसेसर में इसे पीसना चाहें तो पीस लें, मैं इसे सिल पे पीसूंगी। कबाब का मिक्सचर मैंने पीस के बाउल में रख लिया है। अब इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो हाथ से ही बारीक कट कर लें। 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, इसे भी मैंने काट लिया है और ये 2 से 3 हरी मिर्चों को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने ये 3 अदद अंडे उबाल लिए हैं, इनके इस तरह से पीसेस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करने हैं, बस नॉर्मल सा काट लेंगे। और देखें, मैंने इसे मिक्स कर लिया है और कबाबों का मिक्सचर हमारा रेडी है। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इसे फ्लैट करेंगे और इसमें उबले हुए अंडे का 1 पीस रखेंगे और चारों तरफ से इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से कबाब की शेप देंगे। और देखें, आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि 2 छोटे पोर्शन पेड़े की तरह गोल कर लें, फिर इसे फ्लैट करके प्लेट में रखेंगे, फिर दूसरे वाले को भी इस तरह फ्लैट करके इस पे उबले हुए अंडे का पीस रखेंगे और फिर दूसरा फ्लैट किया हुआ कबाब इसके ऊपर रखें। इस तरह से बना के कबाब की शेप दे लें। जो मेथड भी आपको इजी लगे वैसा कर लें। तो इस तरह से मैंने कबाब बना लिए हैं, चले अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल में 2 टेबल स्पून दूध लिया है, इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे।
इसमें 2 से 3 चुटकी नमक और 2 से 3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से फेंट के इसमें हम कबाब कोट करके फ्राई करेंगे। एक कबाब लेंगे और इस अंडे में डिप करेंगे और दूसरे साइड से भी इस तरह से कोट कर लेंगे। यहाँ पैन में मैंने ऑयल डाल के मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो 1 by 1 इसमें कबाब रखेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। बस इसे 2 से 3 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर इनकी साइड को हम चेंज करके इस तरफ से भी मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट ही फ्राई कर लेंगे। जब तक इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए जब तक इसे हमने फ्राई करना है। और देखें इनका क्या खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। बस इसे हम निकाल लेंगे और देखें नरगिसी कबाब हमारे रेडी हैं। इसे सर्व कर लेते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी इसे बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके नरगिसी कबाब कैसे बने थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।